क्या अक्षय कुमार ही होंगे धूम 4 के हीरो? इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू हो सकती है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। खिलाड़ी कुमार ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रख दिया था और इस साल भी खिलाड़ी कुमार कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ी कुमार के खाते में एक और फिल्म जुड़ चुकी है, वो है धूम 4। वैसे एक वक्त था जब अक्षय कुमार के साथ बड़े डायरेक्टर्स काम नहीं करना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद अक्षय कुमार ने किया था। अक्षय ने कहा था कि शायद बड़े डायरेक्टर्स मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसीलिए मैं उनके साथ काम नहीं कर पाता और वो मेरे साथ काम नहीं करते, मैं नए डायरेक्टर्स के साथ इसी वजह से काम करता हूँ। लेकिन अब दौर ये है कि हर बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर आपकी के साथ काम करना चाहता है। अक्षय कुमार बॉलीवुड का सक्सेस मंत्रा बन चुके हैं। जो अक्षय कुमार के साथ काम करता है, सक्सेस उसके हिस्से में आ ही जाती है। और अब धूम 4 की कंफर्मेशन हो चुकी है और एक फिल्म क्रिटिक अतुल मोहन ने इसकी अनाउंसमेंट की है। अतुल ने कहा है कि धूम 4 में अक्षय कुमार ही होंगे और कुछ दिनों बाद ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म क्रिटिक की बात में हम क्यों भरोसा करें, तो दोस्तों ये वही अतुल मोहन है जिन्होंने सूर्यवंशी के टाइम पर अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त सूर्यवंशी की खबर कानो कान किसी को भी नहीं थी। ऐसे टाइम पर अतुल मोहन ने कहा था कि सूर्यवंशी आएगी जिसमें अक्षय कुमार होंगे और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही होगी। तो इस हिसाब से हमें अतुल मोहन की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए और ये एकदम कन्फर्म न्यूज़ है कि धूम 4 में अक्षय कुमार ही नजर आएंगे। वेल दोस्तों, इस खबर से अक्षय के फैंस तो बेहद एक्साइटेड हो गए हैं और ट्विटर पर धूम 4 ट्रेंड करने लगा है। अक्षय के कई फैंस ने जबरदस्त ट्वीट किए हैं। एक फैन ने कहा कि अगर ये खबर कंफर्म हुई तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी उत्साह की सीमा क्या है। ये मेरा बरसों पुराना सपना था और अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। एक और फैन ने बोला कि एक फिल्म क्रिटिक की बात ने ही इतना बड़ा धमाका मचा दिया, तो सोचिए जब अक्षय कुमार का ये लुक सामने आएगा तो फिर क्या हाल होगा लोगों का। वेल दोस्तों, फैंस तो काफ़ी एक्साइटेड हैं और आप भी ये खबर सुनकर एक्साइटेड हो गए होंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल तो अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना वजन भी कम किया हुआ है। अब धूम 4 में ये होता है कि फिजीक को लेकर, एक्टर की फिजीक को लेकर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। वैसे तो अक्षय कुमार बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर में से एक है, लेकिन धूम 4 के लिए उनकी बॉडी में कई तरह के बदलाव देखे जाएंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि अक्षय कुमार ही इस फिल्म में दिखेंगे और पृथ्वीराज चौहान की शूटिंग के बाद ही धूम 4 की शूटिंग शुरू हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान की शूटिंग अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो सकती है, उसके बाद ही धूम 4 की शूटिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, आप इस खबर से कितने एक्साइटेड हुए और धूम 4 का कितना इंतज़ार है? साथ ही ये भी बताइए कि धूम 4 में अक्की के अपोजिट आप किस एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।